कॉलेज में एडमिशन लेते तुमने एक चेकलिस्ट जरूर बनाई होगी। सबसे पहले 75% अटेंडेंस किसी ना किसी तरीके से तुम्हें कंप्लीट करनी है। 75% अटेंडेंस होने के बाद नेक्स्ट चीज तुम्हें अपने हॉबीज पे थोड़ा काम वगैरह करना है, एंड टिंडर पे प्रोफाइल बनाओ या ना बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल जरूर बनानी है। ये सारी चीजें तुम्हें क्रिएटर्स ने, तुम्हारे सीनियर्स ने एंड आसपास लोगों ने सबने बता के तुम्हारे दिमाग में जरूर डाल दिया होगा। भाई लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, जॉब कैसे मिलेगी, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, तुम लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे, नेटवर्किंग कैसे होगी एंड फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। और बात सही भी है, बिकॉज लिंक्डइन इज द टॉप प्लेटफॉर्म जहां पे जाके तुम वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एवरी वीक 49 मिलियन यानी 4,90,00,000 लोग लिंक्डइन पे जाके जॉब सर्च कर रहे होते हैं। हर मिनट 7 लोग लिंक्डइन के थ्रू हायर भी हो रहे होते हैं। जब तक ये तुम वीडियो देखोगे 180-200 लोग हायर हो चुके होंगे। 72% ऑफ लिंक्डइन रिक्रूटर्स यूज करते हैं टैलेंट को हायर करने के लिए, एंड 67% रिक्रूटर्स का मानना है कि उन्होंने लिंक्डइन से ज्यादा लोगों को हायर किया है। एंड ये नंबर्स क्लियरली स्टेट करते हैं कि लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाना बस एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है तुम लोगों के लिए, ना सिर्फ जॉब और इंटर्नशिप के लिए, बट लिंक्डइन इज ऑल्सो यूज फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस। अपने नीच के और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो दूसरी स्टेट में, कंट्री में या फिर दूसरे शहर में रहते हैं। मेरे कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट्स को, मेरे आसपास वाले काफी जूनियर्स को लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है, एंड मेरे को खुद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है लिंक्डइन के थ्रू। तो क्रिएटर्स ने एंड सीनियर्स ने तुम्हें कुछ गलत चीज नहीं बताई है, बिल्कुल सही चीज बताई है। बट ये एडवाइस सुनकर तुमने अकाउंट बना तो लिया होगा, बट तुम्हारा अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखता होगा। अब सच बताओ खुद सोच के कि ऐसी प्रोफाइल के साथ क्या तुम्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देगा? भाई रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल देख के तुम्हें ब्लॉक जरूर कर देगा। चलो ब्लॉक नहीं करेगा, बट स्टिल तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाली है इस टाइप की प्रोफाइल को देख के, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल होना और लिंक्डइन को सही तरीके से यूज करने में ना जमीन आसमान का फर्क है। अब कमेंट करके जल्दी से बताओ तुमने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कौन सी ईयर में बनाई थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में। एंड इसके साथ साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी तुम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, एंड एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तो तुमने सीनियर्स और क्रिएटर्स की बात मान के एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली, उसमें हेडिंग में लिख दिया सीकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, अपने कॉलेज का नाम डाल दिया एंड बात खत्म। अब ऐसी इनएक्टिव प्रोफाइल एंड ऐसे गोस्ट प्रोफाइल को देख के लोग भाई तुमसे कनेक्ट करेंगे नहीं, तो ऐसी प्रोफाइल होने से बढ़िया तुम्हारी प्रोफाइल ना ही हो। अब ये बात बस तुम्हारी नहीं है, आई नो तुम रिलेट कर पा रहे होगे ये चीज सुन के, बट 90% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स डू द सेम थिंग, एंड ये वाली वीडियो देखने के बाद ये चीज तो तुम्हारी पक्का इंप्रूव हो जाएगी। सो हाय गाइस, आई एम निशांत चार, वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब एक चीज सही बताऊं तो मैं जब कॉलेज में था तो मैंने भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई थी, थोड़ा बहुत यूज करना स्टार्ट किया था, बट इस वाली प्रोफाइल से तो भाई काफी बेटर थी। एंड एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मैं उन टॉप 10% स्टूडेंट्स में था जो लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे से यूज करते थे एंड अपॉर्चुनिटी मशीन की तरह यूज करते थे। आज के टाइम पे लिंक्डइन पे मेरे 4,93,000 फॉलोअर्स हैं जो यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर्स से ज्यादा हैं, एंड ऑलमोस्ट 5,00,000 होने वाले हैं। अब ये नंबर्स मेरी पर्सनल ग्रोथ का प्रूफ है, इसके साथ साथ ये भी प्रूव करता है कि मैं सही बंदा हूं तुम्हें बताने के लिए लिंक्डइन को एक्चुअली यूज कैसे करना है। एंड आई हैव एक्चुअली अर्नड अ लॉट फ्रॉम लिंक्डइन थ्रू ब्रांड कोलैब्स, अ नंबर ऑफ कंपनीज हैव रीच्ड आउट टू मी फॉर इंटरव्यूज, एंड मैंने अंधी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी है थ्रू लिंक्डइन। मैंने लोगों से कनेक्ट किया है, CTO, CEOs, फाउंडर्स, एंड साथ साथ उनके साथ एक्चुअली बैठा हूँ, बातें करी हैं, जो पर्सपेक्टिव था लाइफ का वो चेंज हुआ है। सो दिस इज द सेम थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इन योर कॉलेज लाइफ। तो ध्यान से देख लेना पूरी वीडियो को, एंड सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक नोटबुक निकालो, पेन पेपर निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो, एंड ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए डेफिनेटली होने वाली है। एंड साथ साथ तुम्हें समझ आएगा लिंक्डइन को तुम कैसे एक प्रोफेशनल मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हो, चाहे तुम फ्रीलांसिंग करना चाहो, चाहे तुम जॉब सीख कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ कर रहे हो, अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होगी तो रिस्पॉन्स आना दूसरी साइड से ज़्यादा आसान हो जाता है, एंड किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, एक एक चीज की जिस चीज को तुम्हें जरूर ऐड करना चाहिए एंड उससे इंपैक्ट काफी ज्यादा क्रिएट होता है। सबसे पहले आता है तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत लोग जो नहीं ऐड करते हैं उससे वो गोस्ट प्रोफाइल की तरह दिखती है, एंड समझ ही नहीं आता कि ये ओरिजिनल एक्टिव प्रोफाइल है, इनएक्टिव प्रोफाइल है, किसी ने रैंडमली बना दिया, बना के छोड़ दिया। तो प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पे। अगर तुम्हारी प्रोफाइल डिसेंट इनफ है तो प्रोफाइल के व्यू होने के चांसेस 20 टाइम्स बढ़ जाते हैं, एंड साथ साथ जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी काफी अच्छा जाता है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फोटो शूट कराओ, बहुत क्रेजी पिक्चर लो, बट एक डिसेंट इनफ पिक्चर होनी चाहिए, फ्रंट फेसिंग तुम्हारा फेस होना चाहिए, पूरे फेस पे लाइट आनी चाहिए, जिनजी वाली पिक्चर ऐसे ऐसे करके पिक्चर तुम्हें नहीं खिंचवानी है, एंड ऐसे साइड प्रोफाइल चाहे तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो वो नहीं डालनी होती,
नॉर्मल सिंपल फोटो डालो, टी शर्ट में भी डाल सकते हो, मेरी तुम देखोगे तो वो एक सूट ब्लेजर टाइप में है, इतना नीडेड नहीं होता, नॉर्मल एक फोटो डाल सकते हो, पीछे वाला बैकग्राउंड तुम्हारा प्लेन होना चाहिए एंड साथ साथ तुम डिसेंट लग रहे हो, ताकि जब भी कोई सर्च करे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो तुम्हारी प्रोफाइल को क्लिक करने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। एंड साथ साथ स्माइल करना मत भूलना, जनरली जो स्माइलिंग फेसेस होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अगर तुम सैड या फिर एक नॉर्मल फेस बना के रखोगे तो। सेकंड चीज़ जो सबसे पहले दिखती है जब भी कोई तुम्हारी प्रोफाइल पे आता है वो होती है कवर इमेज। अब कवर इमेज तो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मेरी जो कवर इमेज है वहाँ पे मैंने अपने सोशल्स वगैरह डाल रखे हैं दैट आई क्रिएट कंटेंट एंड कहाँ पे मेरे कितने फॉलोअर्स वगैरह हैं या फिर इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब हैंडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाला हुआ है, तुम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तुम अपने में कोई अपना फेवरेट कोट, कोई बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी डाल सकते हो, बट उसको थोड़ा नॉर्मल रखना कि कोई प्रोफाइल पे आए तो ऐसे कुछ फंकी सा ना डाल रखा हो भाई तुमने, तो ये फेसबुक प्रोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे कवर फोटो का ये मतलब नहीं है कि बहुत एस्थेटिक होना बहुत जरूरी है, बट थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए एंड कुछ केसेस में ना भी हो तो इट्स फाइन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हेडलाइन। हेडलाइन तुम्हारे एसईओ में भी हेल्प करती है, जब कोई पहली बार तुम्हारी प्रोफाइल पे आता है तो सबसे पहले जो टेक्स्ट दिखता है वो हेडलाइन ही होती है। इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए तुम अभी क्या कर रहे हो, कौन सी चीजों में तुम अच्छे हो, कहां से आए हो, एक्स वाई जेड, जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके। अगर तुम मेरी प्रोफाइल देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टली बिल्डिंग एल्गो प्रेप एंड तैयारी एक्स माइक्रोसॉफ्ट 400K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड एनएसआईटी, तो मैंने अपना कॉलेज लिखा हुआ है, मेरे यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर है बिकॉज मैं कॉन्टेंट क्रिएट करता हूँ वो लिखा हुआ है, अभी मैं किन चीजों पर काम कर रहा हूँ एंड माइक्रोसॉफ्ट एक ब्रांड टैग है इसलिए मैंने वो भी ऐड किया हुआ है। एंड हेडलाइन जनरली शॉर्ट स्पेसिफिक एंड एंगेजिंग होनी चाहिए, ज्यादा लंबी लिखने का फायदा नहीं होता, अराउंड 5-6 वर्ड तुम लिख सकते हो एंड मोस्टली जो तुम अभी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कॉलेज स्टूडेंट है वो क्या ऐड कर सकता है, वो ऐड कर सकता है अगर उसने कभी कहीं पे अगर वो इंटर्नशिप कर रहा है, कहीं से उसने इंटर्न करी हुई है उस कंपनी को ऐड कर सकता है। इसके साथ साथ कौन से टेक्नोलॉजीज में वो काम कर रहा है, अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए तो वो डाल सकता है, अगर आप एक कॉन्टेंट राइटर हो, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो वो ऐड कर सकते हो, या फिर किसी और किसी के लिए आपने एडिट किया हुआ है वो ऐड कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके आपकी प्रोफाइल की तरफ उसको आपको ऐड करना होता है हेडलाइन में। नेक्स्ट दो चीज़ें और आ जाती है तुम्हारा अबाउट अस एंड समरी सेक्शन। अबाउट अस में तुम और डिटेल में लिख सकते हो कि तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो, क्या चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट है एक्स वाई जेड, एंड समरी में प्रोफेशनल समरी लिख सकते हो, तुमने जिस कंपनी में काम किया हो, जहाँ पे तुमने इंटर्नशिप करी हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई हैकाथॉन जीती हो, अगर तुम कंटेंट राइटर हो या फिर वीडियो एडिटर हो तो किन किन क्रिएटर्स के लिए, किन 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 कंपनीज के लिए तुमने एडिट किया हुआ है, जो भी चीज़ें तुम्हें लगता है तुम्हें डिटेल में लिखनी है वो इस सेक्शन में तुम डेफिनेटली लिख सकते हो। ये दोनों सेक्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये एसईओ में काफ़ी हेल्प करते हैं। जब भी कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटर सर्च कर रहा हूँ तो मैं कंटेंट राइटर जब सर्च करूँगा तो जिसकी प्रोफाइल में रैंक करेगी वो प्रोफाइल डिपेंडिंग उसके में कंटेंट राइटर कितनी बार लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है एंड बाद में जाके मैं उसकी प्रोफाइल को फिर चेकआउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो में तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों डाल सकते हो और ये रिक्रूटर ओनली या फिर इस टाइप की सेटिंग्स होते हो तुम ऑन कर सकते हो। मैंने अपने में जनरली नहीं डाली हुई है ईमेल एंड अपना फ़ोन नंबर, रिक्रूटर ओनली कर रखा है क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डालूंगा तो भाई रोज़ कोई ना कोई अंधे मेल्स आने लग जाएंगे, बट तुम्हें ये डालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा तो तुम्हें रीच आउट कैसे करेगा, या तो अपना तुम पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ ऐड कर सकते हो जिससे लोगों को पता चले, अपना रिज्यूमे का लिंक ऐड कर सकते हो यहाँ पे सो दैट पीपल कैन रीच आउट टू यू। अब कुछ रिक्रूटर स्पेसिफिक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन चीज़ों का भी ध्यान से लिखते रहना। अगर अब तक नोट्स नहीं बना रहे हो तो चुपचाप बना लो, काम आने वाले हैं सारे। अगर तुम जॉब या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो एक ओपन टू वर्क का बैच होता है वो तुम ऑन कर सकते हो एंड वहाँ पे रिक्रूटर्स ओनली भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो बट तुम और कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो ताकि तुम्हारे जो मैनेजर हैं टीममेट्स हैं उन्हें पता ना चले तो तुम यहाँ पर रिक्रूटर्स ओनली को ऑन कर सकते हो, तो बस रिक्रूटर्स को ये दिखाई देगा कि यू आर ओपन टू वर्क। तीन चीज़ें और हैं, सबसे पहले कीवर्ड, जैसे मैंने ऊपर बताया एसईओ में हेल्प करता है कीवर्ड्स ऐड करो। अगर तुम्हें मशीन लर्निंग में जॉब चाहिए तो मशीन लर्निंग रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर दिए, डेटा साइंस में चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चाहिए, किसी भी चीज़ में चाहिए तो उसके कीवर्ड्स ऐड करने हैं तुमने। सेकंड चीज़ तुम्हारी आ जाती है रिकमेंडेशंस, तो अपने सीनियर्स से, अपने टीममेट से, अपने मैनेजर से रिकमेंडेशन ले लो, जब भी कोई अच्छा काम करो तो बोल दो क्या रिकमेंडेशन दे तो वो दे देंगे। थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। अगर तुमने कोई बढ़िया सर्टिफिकेशन वगैरह किया, फॉर एग्जाम्पल कोर्सेरा से कोई कोर्स किया है, यूडासिटी से कोई कोर्स किया है, उसका तुम्हारे पास लाइसेंस या सर्टिफिकेट है उसको ऐड करो, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी। एंड नेक्स्ट कम्स आर फीचर्ड सेक्शन। अब फीचर्ड सेक्शन में वो सारे पोस्ट या वो सारी चीज़ें होती हैं जो तुम किसी भी बंदे को दिखाना चाहते हो जो तुम्हारी प्रोफाइल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो मेरे जो यहाँ पे वो तीन पोस्ट तुम्हें दिख जाएंगे, एक कि आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, आई रिजाइन फ्रॉम इट,
फिर मैंने बताया हुआ है कि एल्गो प्रेप वी स्टार्टेड एट दिस टाइम, कि उसमें क्या क्या कर रहे हैं, एंड उसके अलावा मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, तो थोड़े बहुत पोस्ट और ऐड करे हुए हैं। तुम इसमें इसी हिसाब से अपना मोस्ट वायरल पोस्ट, फॉर एग्जांपल अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करते हो वो डाल सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ तुमने शेयर करी हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करा हो, कोई हैकाथॉन जीती हो, वो सब यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम अपना रिज्यूमे भी ऐड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो भी डेफिनेटली कर लेना, उससे भी काफ़ी हेल्प होती है, किसी को इधर उधर लिंक्स पे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस सेक्शन। यहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस अपना ऐड करना होता है, हो सकता है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी एक्सपीरियंस ना हो, बट अगर तुमने इंटर्नशिप्स वगैरह करी हैं तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज में हो, कॉलेज में तुमने कोई क्लब सोसाइटी में प्रेसिडेंट रहे हो, पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी एक्सपीरियंस में डाल सकते हो, वहाँ पे क्या चीजें सीखी, क्या तुम्हारी लर्निंग्स वगैरह थी, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बस एक्सपीरियंस ऐड करके नहीं छोड़ देना, उसमें पॉइंट्स भी डालना है कि तुमने क्या बनाया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सारी चीजें। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटिफाई करना सीखो, जब भी कोई रिजल्ट आए तो तुम उसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो, वो भी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्किल्स। स्किल्स में तुम अपने टॉप 5 स्किल्स को ऐड कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, तो वो डेफिनेटली कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें टेक में जॉब चाहिए, तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट आती है, तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, तुम्हें क्लाउड की कुछ टेक्नोलॉजी सीखी हुई है, तो वो सब अच्छे से ऐड कर दो। एंड बस ये, बट ये मिस मत करना, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, तो भाई SEO में हेल्प होगी, रिक्रूटर कुछ सर्च करेगा, तो तुम ऊपर आ सकते हो, तुम ऊपर स्टैंड आउट करोगे, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग एंड अ कॉल लाइक इंक्रीजेस। एंड जनरली बस दो स्किल्स ही दिखते हैं, बाकी एक्सेट्रा में आ जाते हैं, तो जो दो तुम्हारे क्रूशियल स्किल्स हैं वो टॉप में ऐड करना, उसके बाद 3 और तुम ऐड कर सकते हो। अब इतना टाइम बिताने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, तुम्हारी प्रोफाइल ऐसी हो जाएगी, कोई अगर उस प्रोफाइल पे आएगा तो एटलीस्ट 2-4 मिनट वहाँ पे बिता सकता है, उसको पता चलेगा तुमने किया क्या है। अगला स्टेप है कनेक्शंस बनाना, बिकॉज लिंक्डइन इज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे कनेक्शंस बनाना मेन काम तो वही है, राइट? तो अब कनेक्शन कैसे बनाओगे वो सीखते हैं। अब शुरुआत में इनिशियल तुम्हें ट्रैफिक नहीं मिलेगा प्रोफाइल पे, तो तुम्हें खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ पोस्ट किया है, पोस्ट पे तुम कमेंट कर सकते हो, एंड बस ये नहीं कि वेरी इंसाइटफुल पोस्ट, जो रिकमेंडेड 4-5 लाइंस होते हैं बस वो लिख दिया। अगर तुम्हें कुछ समझ आया, तुमने कुछ देखा है, तो उसको अच्छे से, यार लाइक अच्छे से लिखो, बस ऑटो सजेस्टेड वाले कमेंट्स नहीं, वेरी गुड पोस्ट सर, इंस्पायरिंग पोस्ट सर, इससे कुछ फायदा होता नहीं है। थोड़ा अगर अच्छा जेन्युइन कमेंट लिखोगे तो तुम्हारे लाइक्स वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह बढ़ेंगे, लोग तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट वगैरह भी भेज सकते हैं। अपने बैचमेट्स को, अपने सीनियर्स वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो, सेम कॉलेज वाले, तो उससे ईजी हो जाएगा, एक लेवल ऑफ कनेक्शन तुम्हारा बन जाएगा। फिर लोगों को जब किसी और को तुम कनेक्शन भेजोगे तो वो सेकंड डिग्री कनेक्शन तुम्हें दिखने लग जाएगा, उन्हें दिखने लग जाएगा, तो एक्सेप्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब फर्स्ट डिग्री कनेक्शन बनाने के बाद, जिनको तुम डायरेक्टली जानते हो, और लोगों को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर इंजीनियर्स वगैरह को तुम भेज सकते हो। अब भेजो जब कनेक्शन रिक्वेस्ट, थोड़ा पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना। एक ऐड नोट का सेक्शन होता है, उसमें नोट डालो, ठीक है? एंड ऐड नोट का सेक्शन तुम्हारे फोन में नहीं आता है तो लैपटॉप से कनेक्शन रिक्वेस्ट वगैरह भेजो। जो भी चीज़ लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो लैपटॉप से करो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जनरली कोई अगर चेक भी कर रहा होगा, रिक्रूटर्स वगैरह, तो एटलीस्ट लैपटॉप पे ही चेक करते हैं, तो इससे एक पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो। पर्सनलाइज मैसेज तुम कुछ इस तरीके का लिख सकते हो, हाय, उनका नेम डाल दो, कॉन्टेक्ट सेट करो कि थोड़ा अपने बारे में, तुमने क्या किया है, कैसे चीज़ें करी हैं, कौन से कॉलेज में हो, या फिर अगर ये भी जॉब कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बताओ। अब जब तक तुम्हारे 2000 लाइक कनेक्शन नहीं हो जाते, तुम वीकली बेसिस पे 100 लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जब वो एक बार हो जाता है, उसके बाद तुम दिन के 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, एंड कुछ मंथली लिमिट्स वगैरह भी होती हैं, तो उसका तुम ध्यान रखना। बट कुछ महीनों में तुम्हारे 2000 कनेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे तुम इसको ग्रो कर सकते हो, एंड इससे तुम्हारी प्रोफाइल भी डिसेंट बन जाएगी, तुम्हारे पास कनेक्शंस भी आ जाएंगे, एंड इसकी वजह से तुम जो लिंक्डइन का ट्रू पोटेंशियल है वो भी अनलॉक कर पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन एक न्यू सेगमेंट है, बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। पहले लिंक्डइन वॉज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन, बट लास्ट कुछ सालों में, 1-1.5 साल में, कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता गया है। एंड लिंक्डइन इवन वॉन्ट पीपल टू लाइक क्रिएट कॉन्टेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, अलग से प्रमोट करता है, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। एंड अगर तुम्हें अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू दैट। मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से कंटेंट बना रहा हूँ लिंक्डइन पे, एंड मेरे करंटली 493,000 कुछ फॉलोअर्स हैं, एंड ये जो मैंने अचीव किया है, मैं ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करता हूँ, नहीं तो एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार तो पोस्ट करता ही करता हूँ। दैट हेल्प्स मी रीच आउट टू न्यू पीपल एंड कीप लाइक एंगेज द करंट ऑडियंस एज वेल। कॉन्टेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें एक पैसिव यूजर से, एक
एक्टिव यूजर में कन्वर्ट कर देता है एंड एक क्रिएटर में कन्वर्ट कर देता है, जो तुम एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे होगे प्लेटफॉर्म पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम एक्चुअली क्रिएट क्या करोगे, कंटेंट मैं बनाऊं क्या, डालूं क्या, राइट? सबसे पहले कंटेंट बनाने से पहले तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है, तुम्हें पसंद क्या चीजें हैं, तुम्हें लाइक क्या चीजें तुम सीखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो या फिर आईटी स्टूडेंट हो एंड तुम्हें बाद में बस इसी वाली फील्ड में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो तुम प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड शेयर कर सकते हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखो उसके रिलेटेड शेयर कर सकते हो, कुछ भी जो तुम्हें सही लग रहा है रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो तुम यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अब कॉन्टेंट क्रिएशन से तुम्हारी वायरलिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं, कोई तुम्हारा एक पोस्ट भी बहुत वायरल हो जाता है तो एक्चुअली तुम्हारे कनेक्शन रिक्वेस्ट काफी इंक्रीज हो जाएंगे, कनेक्शन काफी सारे बन जाएंगे एंड तुम्हें एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी मिल सकती है काफी सारी, लोगों की नजरों में तुम आ जाओगे। अब लिंक्डइन पे तुम्हें इन्फॉर्मेटिव, एंगेजिंग एंड वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है जो एक्चुअली लोगों को हेल्प करे या फिर वैल्यू प्रोवाइड करे एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था नारायण मूर्ति सर के 70 आवर्स पर वीक वाले थॉट के ऊपर। अगर तुम मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हो तुम्हें दो एस्पेक्ट समझ आएंगे मेरे लिंक्डइन वाले कंटेंट पे। सबसे पहले आ जाता है पर्सनलाइजेशन, जो भी मैं पोस्ट वगैरह करता हूं उसमें मेरी पर्सनल जर्नी या पर्सनल लर्निंग से कुछ ना कुछ एडेड होता है, मेरे पर्सनल थॉट्स एडेड होते हैं। एंड सेकंड चीज, मोस्टली विजुअल कंटेंट होता है, उसके साथ कोई ना कोई फोटो अटैच होती है, विजुअल एलिमेंट अटैच होता है, कोट्स वगैरह अटैच होते हैं, बट कुछ ना कुछ उस पोस्ट उस राइटअप से रिलेटेड अटैच्ड होता है। तो फर्स्ट लाइन जो हुक होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, उन दोनों के बीच में लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैंडम फोटोज डालना सही नहीं है, मैंने भी एक दो बारी किया है बट मोस्टली आई ट्राई टू अवॉइड दैट। अब कमेंट्स में जाके जल्दी बता देना कि कब कर रहे हो तुम अपना पहला पोस्ट पब्लिश एंड मेरे को टैग भी कर देना उसमें। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। जब भी तुम कॉन्टेंट पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, कुछ भी करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी प्रोफाइल पे भी अलग अलग पोस्ट आ रहे होंगे, उस पर कमेंट करो, अपने थॉट्स वगैरह शेयर करो। इनिशियली जब भी तुम पोस्ट करना स्टार्ट करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तुम्हें रीच मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज़ अ गुड वे कि अगर तुम्हारे थॉट्स, अगर तुम्हारे ओपिनियंस, अगर तुम्हारे जो लर्निंग्स है वो अच्छी हुई, वैल्यूएबल हुई, तो कमेंट्स के थ्रू भी दिखेगा एंड पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। अब ये है एक स्ट्रैटेजिक प्लान लिंक्डइन ग्रोथ का, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ, 90% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इनमें से कोई चीज़ नहीं फॉलो करेंगे, जाके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल खोलेंगे भी नहीं, एडिट भी नहीं करेंगे। डोंट बी इन दैट 90%, बिकॉज अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो या फिर तुमने कोई भी सेक्शन भी देखा है यहाँ तक स्किप करके आए हो, तो ध्यान रखो इन सारे पॉइंट्स का एंड एक्चुअली ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। अब ग्रोथ के साथ ना हमेशा एक चीज़ एसोसिएटेड होती है, वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार पोस्ट कर रहे हो, रोज 5 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, दैट विल लाइक कंपाउंड ओवर अ ईयर, ओवर 3 मंथ्स, ओवर 6 मंथ्स। अब इनिशियली तुम्हें थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, इनिशियली पोस्ट पे शायद रिएक्शंस ना आए, हो सकता है तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो, लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें, बट धीरे धीरे थिंग्स विल गेट बेटर। अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत क्रेजी हो जाती है, अगर तुम अपने रेज्यूमे को भी बहुत बढ़िया कर लेते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा एंड 90% लोगों से तुम बेटर हो जाओगे एंड तुम्हारे इंटरव्यूज आने के चांसेस भी 90% से इंक्रीज हो जाएंगे। अब आते हैं सरप्राइज पे, जल्दी से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रैंडमली किसी भी 10 लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। अब भाई वेट मत करो, जल्दी से जाओ, जो तुमने नाम भर की लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है उसको जाके अपडेट करो, चीजें ऐड करो एंड स्टार्ट अप्लाइंग, स्टार्ट सीकिंग आउट अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।